नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो फाइनली आज हम चला रहे हैं इस मशीन को काम के लिए, मतलब नई मशीन की ओपनिंग कर रहे हैं, पहली बार चलाएंगे। तो एक जगह मिट्टी खुदनी है, कुछ मिट्टी शिफ्ट होनी है, तो ट्रॉलियाँ लेके जा रहे हैं साथ में और इस मशीन की ओपनिंग करेंगे और फिर ये रेगुलर चलती रहेगी। तो ये जो था मोमेंट, एक स्पेशल मोमेंट था, इसलिए इसको दो दिन से खड़ा रखा। हम लोग दो दिन तक बिजी थे और इसको चलाया नहीं, तो अब अपन इसको चलाने वाले हैं। तो साफ़ सफाई चल रही है, चमका रहे हैं ये लोग मशीन को, और उसके बाद अपन बढ़िया से मशीन को लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको नई मशीन की ओपनिंग। तो वीडियो में बने रहना, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा आईडी आ रही होगी फॉलो कर लो, और फटाफट चलते हैं। अभी देखो मशीन जैसी आई है वैसी ही खड़ी है, मंदिर से आके पूजा पाठ करके रख दी थी। और अरुण और राजेश कर रहे हैं सफाई इसकी, बढ़िया से चमका दो। और 4x4 यार गजब दिखती है, मतलब आगे से थोड़ी बल्की दिखती है। मशीन ऐसे खड़ी कर देते ना बास में, दोनों मशीन खड़ी थी सुबह, देखो ये टायर के निशान है यहाँ पे खड़ी थी, तो वो चलने चली गई है। इसका केबिन साइज़ भी बड़ा है और मशीन भी थोड़ी बड़ी दिखती है। और वेरिएबल लोड सेंसिंग पंप है, इसकी वजह से इसकी बूम की रफ्तार तेज़ है, स्विंग स्पीड तेज़ है। तो वो चीज़ अपन इस वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरह से काम करती है, उस मशीन की तुलना में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब तेज़ कर रही है, स्लो कर रही है, क्या है वो, मतलब अपन जांच करेंगे, दोनों मशीनों को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे मतलब चलेगी तो वहीं से फिर मैं आपको दूसरी फुटेज भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो मशीन भी पास में ही चल रही है, कि उसकी रफ्तार भी आप कंपेयर कर पाओगे कि वो कितना तेज़ चल रही है, ये कितना तेज़ चल रही है। इसके अंदर मैटिंग बिछवा लेना जैसी अपने वो वाली मशीन में। और ये जो इंजन है बहुत अलग है पुरानी वाली 3DX से, ये बहुत अलग है। तो फाइनली अब चलते हैं मशीन को लेके और करते हैं काम की शुरुआत। तो ये इसका मीटर कंसोल देखो आप कितना शानदार है, और ये जो आवाज आ रही है इसमें क्या है कि फ्यूल पंप नहीं होता, एक मोटर टाइप की होती है। तो मशीन में जो एयर वगैरह होती है ना, वो मतलब पंप का फ्लो बराबर करता है ये। तो जब तक ये आवाज़ आ रही है तब तक अपने को मशीन चालू नहीं करना है, जैसे आवाज़ बंद होगी उसके बाद ही करना है। BS4 में ये सारी मशीनों में है, सिर्फ इसमें नहीं है। बाकी आप देखो 6.8 आवर जो है चल गई है, मतलब अपन भोपाल से लेके आए थे ना उस बीच, अब बंद हो गई, अब होगी चालू। करो हो गई चालू, इसमें ट्रिप मीटर भी है, सब कुछ है। तो भैया मशीन पहली बार चलने जा रही है, इसलिए अपन नारियल फोड़ेंगे और दोनों पहियों के नीचे नारियल रखेंगे, और उसके बाद ही पहली मशीन जो है काम पे जा रही है, उसके बाद ही अपन आगे लेके चलेंगे। लगा दो भैया नारियल, ये आगे वाले अपन ने दोनों पहियों में दो नारियल लगा दिए हैं। नारियल फोड़ के ही अपन आगे चलेंगे। ये मशीन जो है यार्ड से बाहर आ गई है, अब अपने को बस KPC सही करना है, और इसके लिए मशीन को अपन ऊपर लेके आ रहे हैं।
ये तो बहुत कठिन काम है यार। नए नए में कलर चिपका था तो थोड़ा मुश्किल से निकला। देखो ये बीच में हो गई एकदम। ठीक है ठीक है, पहले पंप ले चलो, डीजल डलवाएंगे, है ना। भैया पहली बार में मशीनों बनाया 94 लीटर डीजल 8,620 रुपए का, और 5,000 का डीजल अपने को जेसीबी वालों ने दिया था, जो कि आने में अपन ने जला दिया बहुत सारा। 2 पॉइंट बचे थे, मतलब 2 पॉइंट डीजल इसमें पहले से था, इतना और बन गया 94 लीटर। Thank you.
भैया उद्घाटन हो रहा है मशीन का। कांच खोल ले, कांच ये वाली मशीन बहुत तेज स्विंग कर रही है यार। देखो इसका बकेट कितना तेज घूमता है। यह फाइनली मशीन चालू हो गई है और इसकी स्पीड बहुत तेज है यार। उस वाली मशीन से बहुत तेज है, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत तेज काम कर रही है, बिल्कुल सुई सुई सुई।